हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग बेटा। हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर इनइक्वालिटीज, और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 को बेटा कंप्लीट कर लिया था। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इस एक्सरसाइज में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी हैविंग वन वेरिएबल ओनली। लास्ट क्लास में ये रह गया था। लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स आपको करवाया था। तो आज की क्लास में बेटा पहले बात करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल या हैविंग वन वेरिएबल। तो इसको बेटा एक दो सम हम दे के समझेंगे। देखिए तो फर्स्ट सम बेटा मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और एक बेटा इसके साथ मैं और ले रहा हूँ, एक्स लेस देन इक्वल टू -2। तो इन दोनों का ग्राफ बेटा प्लॉट करते हैं। देखिए तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को देता हूँ और फिर बेटा इसको लेंगे। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स ग्रेटर देन 3। और एक्स लेस देन इक्वल टू -2 को बेटा ऐसे लिख लो, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स लेस देन -2। तो इसका बेटा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है देखिए। सबसे पहले बेटा आप वाई एक्सेस और एक आप एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे। ये बेटा मैंने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब इन एक्सिस के ऊपर, हाँ जी बेटा, आप मार्क कर लीजिए। ये हमारी एक्स की पॉजिटिव साइड है, ये हमारी एक्स की नेगेटिव साइड, ये बेटा वाई की पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव, और इसे हम बेटा बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ बेटा पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे आपने लेने हैं। हाँ जी बेटा, आप ग्राफ पेपर पे बेटा बनाइएगा इनको, 1 2 3 4। इधर बेटा ले लेंगे -1 -2, और यहाँ बेटा ले लेंगे हम 1 2 3 वाई की पॉजिटिव वैल्यू और नीचे बेटा वाई की नेगेटिव वैल्यू वैल्यू, ठीक है जी। -1 -2 -3। तो सबसे पहले बेटा एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 की हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बेटा हमारा 3, एक्स इज इक्वल टू 3 की लाइन बेटा ये बनेगी। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। लो बेटा ये एक्स इज इक्वल टू 3 की लाइन हो गई हमारी। अब ये देखिए हमें जो ड्रॉ करना है एक्स ग्रेटर देन 3। अब शेडिड एरिया दिखाना है बेटा। तो शेडिड एरिया के लिए यहाँ पर जैसे लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स में तो मैंने आपको बताया था 0 0 पुट करके आपको ट्रू फॉल्स देखना है और उसके बेस पे शेड लगाना है। यहाँ पर बेटा शेडिड एरिया के लिए आपको ट्रू फॉल्स कुछ नहीं देखना, एक्स ग्रेटर देन 3 है तो आप जस्ट ये देखो 3 से ग्रेटर वैल्यू इस लाइन के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में तो बेटा स्मॉलर वैल्यूज है, लेफ्ट साइड में 2 1 0 ये तो स्मॉलर है और मुझे चाहिए ग्रेटर। तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी साइड में, राइट साइड में। तो राइट साइड में बेटा शेड लगा दे। ये बेटा हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है जी। और इसके साथ आप लिख भी सकते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 पे आइए। इक्वेशन नंबर 2 में बेटा क्या कहता है, एक्स लेस देन इक्वल टू -2। इसका ग्राफ भी बेटा मैं इसी पे बना देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा आप -2 देखिए, -2 कहाँ है, -2 बेटा ये रहा। तो यहाँ पे बेटा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस के बेटा पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जी, ये बेटा ड्रॉ कर दी। तो बेटा ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी। अब आपको ये देखना है कि जो शेडिड एरिया है वो किधर लगेगा। तो शेडिड एरिया के लिए बेटा फिर वही देखो, एक्स लेस देन माइनस टू है, तो लेस देन माइनस टू वैल्यूज बेटा क्या होती है, लेस देन माइनस टू होता है माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, और ग्रेटर देन माइनस टू होता है माइनस वन, जीरो। तो लेस देन माइनस टू बेटा माइनस टू के लेफ्ट में आएगा, और ग्रेटर देन माइनस टू होता तो राइट में। तो माइनस टू के बेटा लेफ्ट में आप शेडिड एरिया दिखा। लो ये बेटा हमारी इक्वेशन नंबर टू आ गई, बताइए क्लियर है। इस तरीके से बेटा आपको ग्राफ प्लॉट करना है लीनियर इनइक्वालिटी। चलिए एक बेटा मैं और ले देता हूँ। सपोज कीजिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बेटा मैंने एक और ले लिया थर्ड। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो पहले एक्स इज इक्वल टू जीरो की लाइन ड्रॉ करें। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो की लाइन बेटा कैसे ड्रॉ होगी, देखिए एक्स इज इक्वल टू थ्री की लाइन बेटा देखिए ये आपने ड्रॉ की हुई है। एक्स इज इक्वल टू टू होता तो बेटा यहाँ ड्रॉ करते, एक्स इज इक्वल टू वन होता तो बेटा यहाँ ड्रॉ करते, और एक्स इज इक्वल टू जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है ध्यान से सुनिए, एक्स इज इक्वल टू जीरो जब भी ड्रॉ करना हो वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर बेटा आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखिए कैसे ड्रॉ करनी है। वाई एक्सिस को ही बेटा डार्क कर देंगे बस, ये बेटा वाई एक्सिस है, इसी के ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ कर। लो बेटा ये लाइन किसकी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्स इज इक्वल टू जीरो। लो बेटा ये ड्रॉ कर दी। अब हमें दिखाना है एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो फिर बेटा आता है शेडिड एरिया किस तरफ दिखाना है। तो उसके लिए आप देखो कि ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज, एक तो बेटा जीरो के राइट साइड में वैल्यूज आ रही हैं, ये तो ग्रेटर देन जीरो है, और जीरो के लेफ्ट में जो है वो लेस देन जीरो, तो हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो बेटा इधर आ जाए, तो ये बनेगा हमारी थर्ड लाइन। इस तरीके से बेटा आपको बनाना है, ठीक है जी। अब बेटा हम लेते हैं वाई वेरिएबल को, ठीक है। अभी तक हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो उसमें हमने सिंगल वेरिएबल लिया है और एक्स, अब बेटा वाई वेरिएबल की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपको बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और या फिर बेटा आपको ग्राफ प्लॉट करना है y लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो पहले बेटा वैसे ही लिख लेंगे इसको, y इज इक्वल टू थ्री एंड y ग्रेटर देन थ्री, और इसको बेटा लिख लेंगे y इज इक्वल टू जीरो एंड y लेस देन जीरो। लो बेटा पहले हम इसकी x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। लो बेटा मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर ली और ये बेटा हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो पहले बेटा इसमें आप यहाँ पर आप दिखाएंगे एक्स, इधर नेगेटिव वैल्यूज, इधर वाई की पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव। लो बेटा मैंने दिखा दिया यहाँ पर, इधर दिखाएंगे आप वन टू थ्री, इधर बेटा आप दिखाओगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इधर बेटा वन टू थ्री, और यहाँ पे दिखाइए आप माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब बेटा वाई इज इक्वल टू थ्री की लाइन ड्रॉ करनी है, तो वाई इज इक्वल टू थ्री की लाइन बेटा यहाँ बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई इज इक्वल टू थ्री की बेटा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू थ्री का पॉइंट बेटा ये बनेगा। तो यहाँ पे बेटा लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, कैसे ड्रॉ करेंगे। लो बेटा
लो बेटा, ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन आ गई। अब हमें इसका शेडेड एरिया दिखाना है, तो शेडेड एरिया के लिए बेटा आप क्या करोगे, y ग्रेटर देन 3, तो y की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 3 देखो कहाँ है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, नीचे तो बेटा वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 का मतलब 4 5 6 ये सब वैल्यूज ऊपर की तरफ है, तो इधर बेटा शेडेड एरिया आप इस कैसे दिखा, अगर बेटा इक्वल टू का साइन ना हो ना यहाँ, तो लाइन ये वाली डॉटेड आएगी, वो पहले आपको बताया हुआ है, डॉटेड लाइन आपको कब ड्रॉ करनी है, जब ये ओनली सपोज करो ये वाई ग्रेटर देन 3 होता, इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ, तो उस केस में जो ये 3 वाली लाइन आपने ड्रॉ की है ये बेटा डॉटेड आएगी, ठीक है जी, ये बेटा हमारा बन गया। अब लेते हैं वाई लेस देन 0, तो पहले बेटा वाई इज इक्वल टू 0 की लाइन ड्रॉ करें, वाई इज इक्वल टू 0, जैसे वाई इज इक्वल टू 3 की लाइन आपने ड्रॉ की पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी आई, वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हाँ बनेगी बेटा, वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आएगी, और वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 जो है हमेशा ऑन एक्स एक्सिस, ये बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी, तो एक्स एक्सिस को बेटा डार्क कर दीजिए, एक्स एक्सिस को ही बेटा डार्क कर देते हैं, तो बेटा मैंने कर दिया, लो बेटा मैंने एक्स एक्सिस को डार्क कर दिया, ये हमारी लाइन आ गई वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई लेस देन 0 है तो शेडेड एरिया आपको और दिखाना है। अब बेटा ये एक बात बताओ, लेस देन 0 वैल्यूज, लेस देन 0 वैल्यूज कौन सी होती हैं, -1 -2 -3 ये नीचे की तरफ है, ऊपर सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन 0 का बेटा शेडेड एरिया आप जब दिखाएंगे तो नीचे की तरफ बेटा शेड लग जाएगा, इस तरीके से आप शो कर देंगे, ये बेटा हमारा ग्राफ बने, बताइए। हाँ जी बेटा क्लियर है यहां तक, हाँ जी बेटा देखिए, अब बेटा एक सम ले रहे हैं, ये आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे बेटा दो लीनियर इनइक्वालिटीज आपको गिवन है, तो उन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज का हमने कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन शेडेड एरिया निकालना, इसे बेटा इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। पहले बेटा फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के बेटा दो पार्ट कर लीजिए, 4x-3y इज इक्वल टू -2 और दूसरा बेटा 4x-3y लेस देन -2, तो जो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है वो तो काम आएगा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के, और ये बेटा शेडिड एरिया लगाने, शेडिड पोर्शन कह लो या शेडिड एरिया, ठीक है, तो पहले बेटा फर्स्ट पोर्शन की बात करते हैं जिससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए बेटा आपको एक टेबल बनानी होगी, टेबल के अंदर बेटा सिर्फ दो ही वैल्यू से काम चल जाएगा, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू बेटा पुट कर दो इसमें, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की बेटा आ रही है -2/4 -1/2 और x की वैल्यू बेटा 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y की आ जाएगी 2/3, हाँ जी बेटा यहाँ 2/3, ठीक है जी, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ये लेनी है, दूसरी वैल्यूज भी बेटा ले सकते हैं, और शेडेड के लिए आप पुट 0 0 0 0 बेटा पुट करेंगे, 0 less than -2, 0 less than -2 बेटा फॉल्स होता है, ठीक है जी। अब आ जाइए सेकंड, सेकंड बेटा जो आपकी इक्वेशन थी उसके भी दो पार्ट कर दीजिए, 4x-3y = 5 एंड 4x-3y > 5, तो पहले बेटा इसकी टेबल बना लेते हैं, टेबल से हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, टेबल के अंदर बेटा मैक्सिमम मिनिमम सॉरी टू वैल्यूज आपको लेनी ही लेनी है, दो से ज़्यादा लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, तो वाई की वैल्यू बेटा मैंने 0 पुट कर दी तो एक्स की आएगी 5/4 यानी कि 1.25 और एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की -5/3
माइनस फाइव अपॉन थ्री, ये बेटा वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे बेटा पुट कर देते हैं जीरो जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन फाइव, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, जीरो ग्रेटर देन फाइव बेटा ये भी फॉल्स आ रहा है, ठीक है जी। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए बेटा यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ बेटा ले लीजिए आप वन, यहाँ बेटा टू, यहाँ ले लेंगे थ्री, इधर बेटा हो जाएगा माइनस वन, माइनस टू, यहाँ बेटा वाई, वाई की पॉजिटिव वैल्यू, वाई की वैल्यू वन टू थ्री, और नीचे बेटा वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। लो बेटा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। लो बेटा पहले फर्स्ट लाइन को प्लॉट करते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू और वाई की जीरो, कहाँ पर आएगा बेटा देखिए, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू यानी कि माइनस जीरो पॉइंट फाइव और वाई की वैल्यू जीरो, यहाँ पर बेटा आएगा। और दूसरा जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की टू बाई थ्री, टू बाई थ्री बेटा बनेगा जीरो पॉइंट सिक्स सेवन, तो यहाँ पर बेटा बनेगा एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन, यहाँ पर बेटा कहीं बनेगा ये। चलिए एक तो बेटा इनको प्लॉट कर लेते हैं, इन दोनों को मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन तो हमारी बन गई। लो बेटा एक हमारी लाइन ये बन गई, इसे हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। हाँ जी बेटा एक सेकंड हमें चाहिए, एक्स की वैल्यू बेटा इसमें कितनी है देखिए, एक्स की वैल्यू है 1.25 और वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू बेटा 1.25 यहाँ पर आएगी और वाई की वैल्यू जीरो, और दूसरा है एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू माइनस फाइव बाई थ्री माइनस 1.67 यहाँ बेटा आएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों लाइंस को भी बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करेंगे, लो बेटा ये बेटा हमारी सेकंड लाइन है, और ये बेटा इसको भी हमारी फर्स्ट लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दीजिएगा। ये बेटा आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, चलिए ये बेटा हमारी फर्स्ट और सेकंड लाइन। ये तो बेटा हमारी फर्स्ट लाइन होगी और ये सेकंड। अब आपको शेडेड एरिया बेटा ड्रॉ करना है। अब पहले फर्स्ट लाइन पे आ जाइए, फर्स्ट लाइन में बेटा आपका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, जीरो लेस देन माइनस टू। तो आपने पॉइंट कौन सा पुट किया था, जीरो जीरो पुट किया था, जीरो जीरो पॉइंट को अगर पुट करके बेटा फॉल्स आए तो अपोजिट साइड में जीरो जीरो पॉइंट की तरफ शेड नहीं लगानी, अपोजिट साइड में शेड लगानी, तो अपोजिट साइड बेटा कौन सी बनेगी, अपोजिट साइड बेटा हमारी ये, यहाँ शेडेड एरिया लगा दीजिए। और यहाँ पे बेटा जो सेकंड हमारी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में भी फॉल्स आया है, जीरो जीरो पॉइंट ये रहा, फॉल्स आता अगर ट्रू आ जाता तो जीरो जीरो पॉइंट की तरफ शेड लगाते, बट फॉल्स आया तो अपोजिट साइड। लो बेटा अपोजिट साइड इसकी ये बनेगी। अब आपको ये भी देखना है क्या ये दोनों शेड आपस में कहीं मिलेंगे, क्या कॉमन शेडेड एरिया आएगा। बेटा इस क्वेश्चन में ये अब ऊपर हमारे पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज ये दोनों लाइन आगे जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस एरिया में जाके इंटरसेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनो मैं इसी यहाँ आपको नीचे दिखा देता हूँ, एक लाइन तो बेटा ये जा रही है
और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अब एक की शेड बेटा ऐसे आ रही है, देखो शेडेड एरिया हम कैसे दिखा रहे हैं, एक की शेड तो बेटा इस तरीके से जा रही है ऊपर, और एक की शेड बेटा ऐसे आ रही है। तो आपको कॉमन शेडेड एरिया दिखाना है, तो कॉमन शेडेड एरिया बेटा एक बनेगा। हाँ जी बेटा, ये कॉमन शेडेड एरिया बनेगा, ये वाला जहाँ पे दोनों की शेड मिलेंगी। अनबाउंडेड एरिया है, अनबाउंडेड इसलिए बोलेंगे क्योंकि बेटा ये क्लोज नहीं है, ओपन एरिया। देखो ये अगर अगर सभी तरफ से बंद हो तब तो उसको बोलते हैं बाउंडेड एरिया, तो ये सभी तरफ से बंद नहीं है, इधर से बेटा देखो ओपन है ये, तो यहाँ इसको बोलेंगे अनबाउंडेड एरिया, तो वो बेटा आपको शो करना है। तो क्योंकि मेरे पास तो बेटा इस पेज पे आगे स्क्रीन पे आगे जगह नहीं है लाइन ड्रॉ करने के लिए, बट आप जब कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो इसको पूरी लाइन को ऊपर तक ले जाएंगे जब तक ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती, और कॉमन शेडेड एरिया को बेटा आपने शो करना। ये कॉमन शेडेड एरिया बेटा हमारा ये वाला जहाँ पर दोनों की शेड में आपस में ओवरलैप करेगी। ठीक है जी, बताइए क्लियर है बेटा? यहाँ तक चैट बॉक्स में बेटा लिख दिया करो यस और नो, क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब बेटा एक सम और लेते हैं, लो बेटा ये सम आपकी बुक का सिक्स सम है, किसे हम करते हैं यहाँ पे बेटा, फोर इन इक्वेशंस हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हाँ जी बेटा, पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी में इसके बेटा दो पार्ट्स बना देंगे, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन 12। तो सबसे पहले बेटा इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल में बेटा आपको मिनिमम टू वैल्यूज लेनी, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की 4 आ जाएगी, वाई की 0 पुट करेंगे तो एक्स की 12, और यहाँ पे बेटा शेडेड एरिया के लिए 0 0 पुट कर दीजिए, 0 लेस देन 12 ट्रू आ रहा है। अब बेटा सेकंड इक्वेशन पे आ जाइए, सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x + y = 12 एंड 3x + y < 12। तो यहाँ पर बेटा इसकी टेबल बनाएंगे, तो इसकी टेबल बनाने के लिए फिर से वही दो वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 12, और वाई की वैल्यू बेटा 0 पुट करेंगे तो एक्स की 4 आ रही है, और यहाँ पर बेटा 0 0 आप पुट करेंगे तो 0 लेस देन 12, ये भी बेटा ट्रू आ रहा है। हाँ जी बेटा बताइए यहाँ पर। अब बेटा थर्ड पे आ जाइए, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन के दो पार्ट कर लेंगे, x = 0 x > 0 और फोर्थ इक्वेशन के भी बेटा दो पार्ट, y = 0 एंड y > 0। अब आपको करना क्या है, यहाँ बेटा x, इधर x डैश, यहाँ y और y डैश, ये बेटा हमारा ओरिजिन हो गया। इधर x की पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर। अब x की वैल्यू बेटा हमें 12 तक दिखानी है, तो कैसे दिखाएंगे देखिए, यहाँ पे मैं 4 4 का बेटा डिफरेंस ले रहा हूँ, 4 8 12, ऐसे ही बेटा इधर ले लीजिए, -4 -8 एंड -12, फिर बेटा वाई, ये बेटा दिखाएंगे 4 8 12 16, और नीचे बेटा इधर दिखा लीजिए -4। हाँ जी, तो -4 -8 -12। लो बेटा, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, x = 0 y = 4। लो बेटा इसको कहाँ दिखाएंगे, 0 4, लो बेटा दिखा लेते हैं, x की वैल्यू है 0 और y की 4, ये पॉइंट बेटा बनेगा 0 4, और एक बेटा 12 0, x की वैल्यू 12 y की 0, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर देते हैं हम,
इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन तो बेटा हमारी ये ड्रॉ लो बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा सेकंड पे आ जाइए, इसे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 2, 0 12, 0 12 बेटा ये रहा, और दूसरा है 4 0, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 0, ये बनेगा बेटा। तो इसको भी बेटा ज्वाइन कर देते हैं, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये बेटा आपकी सेकंड लाइन। लो बेटा ये आपकी सेकंड लाइन होगी, शेडेड एरिया बेटा बाद में दिखाएंगे, अभी पहले लाइंस ड्रॉ करेंगे। और थर्ड थर्ड बेटा एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन बेटा वाई एक्सिस को भी बेटा डार्क कर दो। हाँ जी, तो वाई एक्सिस को ही डार्क कर देते हैं। लो बेटा वाई एक्सिस को ही हमने, ये बेटा हमारी थर्ड हो गई। लो बेटा ये हमारी थर्ड है, और फोर्थ है वाई इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 बेटा बनेगी एक्स एक्सिस, ये फोर्थ है। लो बेटा ये हमारी थर्ड और फोर्थ, इसको भी हम शो कर देते हैं। थर्ड बेटा कौन सी है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि वाई एक्सिस वाली लाइन, और फोर्थ बेटा ये। अब आपको बेटा कॉमन शेडेड एरिया दिखाना है, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या पुट किया था, 0 0, ये रहा बेटा 0 0। तो 0 0 पुट के देख करके देखो बेटा ट्री हुआ आया था, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी फर्स्ट लाइन, और इसको पुट करके बेटा ट्री हुआ आया, ट्री हुआ आया तो शेड कौन से तरफ लगेगी, 0 0 पॉइंट की तरफ। लो बेटा मैं अलग अलग लाइन की शेड अलग अलग कलर से लगा रहा हूँ, देखिए तो 0 0 पॉइंट की तरफ शेड लगानी है, तो 0 0 पॉइंट की तरफ बेटा शेड ऐसे लग जाएगी। लो बेटा ट्री आया था ना, तो इस तरीके। अब सेकंड पे आ जाओ बेटा, सेकंड लाइन हमारी ये है, तो सेकंड लाइन में बेटा 0 0 पुट किया, ये भी ट्री आया, तो सेकंड लाइन की शेड भी 0 0 पॉइंट की तरफ लगानी है, तो सेकंड लाइन की बेटा शेड हम लगा देते हैं 0 0 पॉइंट की तरफ। लो बेटा फर्स्ट लाइन की शेड में थोड़ी सी और लगा देते हैं पहले, ये बेटा हमारी फर्स्ट लाइन की शेड हो गई, ठीक है जी। अब सेकंड लाइन की हमने शेड ड्रॉ करनी है, उसके लिए मैं डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूँ। लो बेटा पिंक कलर ले लिया, तो सेकंड लाइन के लिए डिफरेंट कलर, और 0 0 है बेटा, 0 0 पुट करके ट्री आ रहा है, ट्री आ रहा है तो शेड लगेगी 0 0 पॉइंट की तरफ। लो बेटा ये सेकंड लाइन ये है हमारी, और ट्री आ रहा है तो इसकी शेड बेटा लगा दो 0 0 पॉइंट की तरफ ही शेड लगानी है। ये बेटा हमारी सेकंड लाइन की शेड लगी। अब थर्ड पे आ जाइए, थर्ड बेटा हमारी ये थी x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 की लाइन तो बेटा ये है y एक्सिस, तो x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0। लो बेटा इसके लिए भी मैंने ब्राउन कलर ले लिया जी, x ग्रेटर देन 0। लो बेटा x इज इक्वल टू 0 तो ये है x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी, इधर तो बेटा नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स की, इधर तो राइट साइड में आपने, तो बेटा ये बन गया। और लास्ट बेटा कौन सी है, हाँ बेटा लास्ट है हमारी वाई ग्रेटर देन 0, तो वाई इक्वल टू 0 की लाइन ये थी वाई ग्रेटर देन 0, तो इसको बेटा मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर से, या बेटा लो दूसरा ले लिया मैंने ऑरेंज कलर। हाँ जी चलिए, तो वाई ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 बेटा ऊपर की तरफ शेड लगेगी।
क्योंकि वाई की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन जीरो ऊपर की तरफ होती है, नीचे तो बेटा नेगेटिव वैल्यूज होती है। और ये आपकी फोर्थ लाइन की शेप। अब आपको देखना क्या है, आपको वो एरिया ढूंढना है जहां पर चारों लाइनों की शेड बेटा आपस में मिल रही है, कॉमन शेडेड एरिया देखना। हाँ जी बेटा, कॉमन शेडेड एरिया जहां पर चारों शेड आपस में मैच की है, यानी कि जहां पर ग्रीन वाली शेड भी है, पिंक वाली शेड भी है, ऑरेंज शेड भी है और ब्राउन भी है, ऐसा एरिया ढूंढो जिस जहाँ पर चारों लाइनें आपको दिखाई दे रही है। बेटा मैंने तो देख लिया है, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं देखिए, ये बेटा एरिया है, ये वो एरिया बनेगा जहां चारों लाइनें कॉमन शेडेड एरिया। इस एरिया इस पोर्शन में बेटा देखो ग्रीन भी है, इसके अंदर ग्रीन भी है बेटा, ऑरेंज भी है, ब्राउन भी है, ठीक है जी, ग्रीन ऑरेंज ब्राउन, और बेटा एक हमारी पिंक, पिंक वाली भी बेटा है ये रही, ठीक है, पिंक भी है, ब्राउन भी है, ग्रीन भी है, और ये सारी इसमें आ, तो ये बेटा हमारा कॉमन शेडेड एरिया है। इसका नामकरण कर दीजिए, इसका नामकरण बेटा कर दिया हमने ओरिजिन, ओरिजिन तो होता है ओ, यहाँ बेटा इस कोऑर्डिनेट, ये जो कॉर्नर है इसका नाम रख लो ए, इस कॉर्नर का बी और इस कॉर्नर का सी, ठीक है, तो कॉमन शेडेड एरिया द सॉल्यूशन इज द कॉमन शेडेड एरिया क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे बेटा चतुर्भुज बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी, ये बेटा हमारा आंसर है, ठीक है जी। बाउंडेड है ये बाउंडेड इसलिए है क्योंकि चारों तरफ से बंद है, बाउंडेड एरिया। अनबाउंडेड होता है बेटा जो ओपन हो, ये तो चारों तरफ से बंद है, अनबाउंड ये बाउंडेड हो गया, ठीक है जी, इस तरीके से बना। एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ कॉमन शेडेड एरिया दिखाना होता है, यानी कि ये जो चारों मैंने शेड दिखाई है बेटा वो दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन शेडेड एरिया को डार्क करके दिखाना होता है। तो वैसे मन में सोच लीजिए कि कौन सी लाइन की शेड किस तरफ लग रही है और इमेजिन करते जाइए, और बाद में सिर्फ ये वाला जो बेटा कॉमन शेडेड एरिया आया था ना, ये वाला जो हमारा सिर्फ इसी को डार्क करेंगे बस, अंदर आपको सारा डार्क करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास तो बेटा इतने कलर्स भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप एक ही कलर से करेंगे, तो सिर्फ बस ये वाला एरिया देख मन में सोचते रहिए, फर्स्ट लाइन की शेड किस तरफ लगेगी, सेकंड की कहाँ लगेगी, थर्ड की कहाँ लगेगी और फोर्थ की, और फिर सोच लीजिए कि चारों की चारों शेड कौन से एरिया में ओवरलैप करेंगी, जिस एरिया में वो ओवरलैप करेंगी, जिस एरिया में चारों की चारों शेड मिलेंगी, वो एरिया बेटा सिर्फ आपको हाईलाइट करना है, ठीक है जी, और वही सॉल्यूशन में दिखा। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बेटा अलग अलग कलर चूज कर लिए और आपको मैंने सारी की सारी शेड्स लगा के दिखाई है, बट आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल वाला जो एरिया है ओ ए बी सी, सिर्फ उसी को फाइनली दिखाएंगे, उसी को बेटा इस तरीके से डार्क कर दीजिएगा, लो मैंने करके दिखा दिया है। ये हमारा जहां पर सारी शेड बेटा मैच करेंगी सिर्फ वो दिखा, बताइए क्लियर है। हाँ जी बेटा, तो आज का बेटा मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, आज की क्लास में आपको बेटा जो सम करवाए हैं उसके बेस पे आपका होमवर्क बेटा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 126। हाँ जी बेटा, ये सब बेटा कर लीजिएगा, ठीक है जी,
सेवन तक बेटा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। वैसे तो आगे भी हो सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, 1 to 7 बेटा ये सफिशियंट है। तो कल बेटा और ज़्यादा इन इक्वेशन लेंगे, आज तो हमने चार चार इन इक्वेशन तक लिए, तो कल की क्लास में हम लेंगे 6 या 7 इन इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। चलिए तो आज की क्लास को बेटा यही ओवर करते हैं, बाय बाय।